प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, आपके चित्रकला विभाग के ई व्याख्यान की श्रृंखला में हम पिछले ई व्याख्यान को इस ई व्याख्यान के साथ में जोड़ते हुए बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले ई व्याख्यान में हमने भारतीय लघु चित्र शैली के साथ में राजस्थानी लघु चित्र शैली कैसे उसका नामकरण हुआ, किन-किन विद्वानों का क्या-क्या सहयोग रहा, इसको हमने पढ़ा और समझा। साथ ही हमने किन-किन क्षेत्रों में कौन सी शैलियाँ पाई जाती है, कौन सी शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत राजस्थान की ढूंढाड़ शैली की बात करी हमने कि ढूंढाड़ क्षेत्र में कैसे शैलियाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ढूंढाड़ में, हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्रों का समावेश है, मेवाड़ में किस क्षेत्र की शैलियों को किस प्रकार से हमने किया, उसको पढ़ा हमने, समझा हमने। मारवाड़ चित्र शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में मेवाड़ चित्र शैली के प्रारंभिक उदाहरणों को हमने देखा, समझ सुना, और उसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ चित्र शैली के बारे में आगे के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो मेवाड़ चित्र शैली में रामायण की जो सचित्र कृति है वो मनोहर द्वारा चित्रित की गई है, जो मुंबई के प्रिंस वेल्स म्यूजियम में अभी सुरक्षित है, और इसकी दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। यह सन 1651 में चित्तौड़ में लिखी गई और उसको वही चित्रित की गई। 1628 ईस्वी से लेकर 1652 की अवधि में मेवाड़ चित्र शैली में निखार और उत्कृष्टता आ गई। इस समय के प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर रहे हैं। इसके पश्चात महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में भी मेवाड़ की चित्रकला में नए आयाम आए, और यह काल जो है मेवाड़ में शांति और समृद्धि का माना जाता है। इस समय मुगलिया प्रभाव मेवाड़ी चित्रों में और अधिक देखने को मिलता है, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित बिहारी सतसई, अन्य प्रमुख ग्रंथों में गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्लादी प्याजा, बहुत अच्छा है के लतीफे और कालिया दमन प्रमुख चित्र हैं। मेवाड़ के इतिहास का जो अंतिम चरण है महाराणा भीम सिंह जी का, वो चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय है। इस काल में भित्ति चित्रों का अधिक निर्माण हमें देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण हैं मर्दाना महल, बापना महल, एकलिंग जी का मंदिर का पीठाचार्य के आवास पर बने भित्ति चित्र, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के भित्ति चित्र, और भी कई स्थानों में हमें चित्रकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र। तो इन प्रमुख चित्रों में गीत गोविंद जो 1629 में चित्रित किया गया, सुरसागर इत्यादि से संबंधित कथानकों के अनुसार रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, हितोपदेश से संबंध चित्रों, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण जो शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित है, तो इनको हम देखने को मिलता है। और सन 1651 में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण एवं सन 1651 के ही आर्य रामायण मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरणों में गिने जाते हैं। और गीत गोविंद की परंपरा वाले चित्र राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है, जिसमें श्रृंगारिता का पुटली ये चित्र उस समय की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अब आते हैं मेवाड़ शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमको ध्यान रखने वाली चीज़ है
मेवाड़ शैली के जो चित्र हैं वो यदि हम कहीं देखते हैं तो किस प्रकार से हमें चित्रों में मेवाड़ शैली के चित्र कैसे पहचाने जा सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है, कई विशेषताएं हैं वैसे मेवाड़ चित्र शैली की, लेकिन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने का कार्य कर रहे हैं। इसमें है प्रकृति। तो मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को अलंकारिक रूप में चित्रित किया और पर्वत और चट्टान बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया और पृथ्वी को अधिकतर लाल, हरे एवं पीले रंग से चित्रित किया। कुंजों, लताओं, वृक्षों और पुष्पों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। वृक्ष के पत्ते, पुष्पित पौधे या पेड़ के पत्तों के साथ पुष्पों के गुच्छे, ये अंकित हमें देखने को मिलते हैं। अगला हमारा विषय है पुरुषाकृति और वस्त्राभूषण। तो पुरुषाकृतियाँ लंबी, चेहरा गोल अंडाकार है, चीबुक और गर्दन का भाग जो है वो भारी बनाया गया, हष्टपुष्ट बनाया गया है और मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी आँखें अंकित है, चित्रित हैं। और अधर पराह खुले हुए, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी जिस पर अधिकांशतः काली कलंगी, सरपेच, कानों में मोती, गले में मोतियों की मालाएं, लंबा दुपट्टा आदि देखने को मिलते हैं। और स्त्री आकृतियां जो हैं, स्त्री आकृतियों में मीनाकृत आंखें, भरी हुई चिबुक, अधर खुले हुए, मुखाकृतियां प्रभावोदक कमनीयता लिए हुए हैं। विविध मुद्राओं में जो अंकित है, लहंगा पारदर्शक लुगड़ी कमर तक, चोली लटकती हुई, गालों पर झूलते केश, नथयुक्त लंबी नासिका, आभूषणों में स्त्रियां कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, बोर, पैरों में पायल पहने चित्रित हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विशेषताओं में विषय कि मेवाड़ चित्र शैली में किन प्रकार के विषयों का अधिक समावेश हुआ। तो मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के चित्रों का समावेश हुआ। लघु चित्रों के निर्माण एवं विकास का मुख्य उद्देश्य आराध्य देव की स्तुति एवं इससे संबंधित ग्रंथ चित्रों का निर्माण करना था। अपने आराध्य देव कृष्ण की सेवा में भक्ति कवि सूरसागर, बिहारी सतसई, मीरा के भजन के अतिरिक्त गीत गोविंद, भागवत, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि को कलाकारों ने चित्रित, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त ऋतु या रागमाला के चित्र, घरेलू जीवन के चित्र, राजसी वैभव को दर्शाते हुए चित्र, महाराणाओं के व्यक्ति चित्र प्रमुख रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाशी है। हाशियों का अंकन प्राय लाल रंग, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाशियों का जो अंकन किया गया है वो लाल रंग से किया गया, लेकिन कहीं कहीं हमें पीला रंग के भी हाशिए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका पशु पक्षी। पशु पक्षियों का अंकन प्राय प्राचीन अपभ्रंश शैली के अनुरूप हुआ है, किंतु मुगल प्रभाव के कारण हाथी, घोड़ों, हिरण आदि में यथार्थता एवं भावुकता का पुट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य जो है वो संयोजित केंद्रीय संयोजन की भावना को दर्शाता है और मुख्य पात्र के आसपास, मुख्य पात्र तो मध्य में चित्रित किया गया था और मुख्य पात्र के आसपास उसके गौण रूपों को छोटा अंकित किया गया है, जो हमें अजंता शैली से कहीं न कहीं तारतम्य, कहीं न कहीं सामंजस्य दिखाता प्रतीत होता है। रंगों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाल, पीले और नीले, हरे, सफेद, काले रंगों का प्रयोग किया है और चित्रों की आकृतियों में विरोधी रंग भरे गए हैं ताकि चित्र की जो आकृतियां हैं वो उभर कर आए। रात्रि दृश्य, गहरी नीली पृष्ठभूमि, एक रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद बिंदियों को लगाकर चित्रकार ने तारों को पूर्ण रात्रि का बताने का प्रयास किया गया है। कहीं कहीं हमें चंद्रमा का अंकन देखने को भी मिलता है और दिन के दृश्य में केवल आकाश का रंग बदल दिया गया है। तो ये हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका भाव।
तो प्रिय विद्यार्थियों, भाव के अंतर्गत हम किस प्रकार के भाव भंगिमाएं रही हैं इसको हम पढ़े करेंगे कि कृष्ण लीला संबंधी विषय वस्तु को आधार बनाकर प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, उत्सर्ग, श्रृंगार आदि भावों को चित्रकारों ने बखूबी अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठभूमि में प्रकृति उद्दीपक रूप में चयन, हस्त मुद्राओं, वर्ण विधान द्वारा भावों को अभिव्यक्त करना, कलात्मक दृष्टि से यह शैली जो है वो निस्संदेह उच्च कोटि की है। इसकी चमकीली रंग योजना, आकर्षण रूप विधान एवं अलंकारिक प्रवृत्ति से इसका अपना एक मौलिक आकर्षण है। तो ये मेवाड़ चित्र शैली हमारी रही है। इस पूरे इन व्याख्यानों में हम चित्र शैलियों का निरंतर अध्ययन करेंगे। तो अभी हम राजस्थानी चित्र शैली को संक्षिप्त रूप में वापस समझने का प्रयास करेंगे कि इन यही व्याख्यानों पिछले दो यही व्याख्यानों में हमने राजस्थानी चित्र शैली के बारे में क्या पढ़ा उसको हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने राजस्थानी चित्र शैली के उद्भव और विकास के बारे में बात करी है कि किस प्रकार से इसका नामकरण को लेकर आनंद कुमार स्वामी ने तार्किक विभाजन किया और इसको सौंदर्यगत और आध्यात्मिक पक्षों को राजस्थानी चित्र शैली के उजागर किए और अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इन्होंने इसका विवेचन प्रस्तुत किया। और इनके नामकरण से WG आर्चर, राय कृष्णदास, मोतीचंद्र पद्मश्री, राम गोपाल विजयवर के आदि विद्वानों की सहमति भी रही। और इसके अतिरिक्त राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ जो हैं वो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली, ये शैलियाँ प्रमुख रही है। फिर हमने मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों के बारे में बात की कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चर्यम ये प्रमुख हमारे ग्रंथ रहे हैं, सचित्र ग्रंथ रहे हैं। इनमें हमें प्रारंभिक मेवाड़ चित्र शैली के उदाहरण जो हमने चित्रों में देखा वो देखने को मिलते हैं। और महाराणा कुंभा का काल, हमने स्वर्ण युग के बारे में बात की। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला सभी का विकास हुआ। और महाराणा उदय सिंह का काल भी हमने जाना कि उस काल में भी बहुत अच्छी कृतियों का, विश्व प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात हमने कौन से चित्र कहाँ संरक्षित हैं मेवाड़ चित्र शैली के उदाहरण उसके बारे में हमने बात की। और किन राजाओं के शासनकाल में, महाराणा भीम सिंह के राजा के शासनकाल में मर्दाना महल, बापना महल, एकलिंग जी के मंदिर के जो पीठाचार्य हैं उन्होंने उनके काल में भित्ति चित्रों का समावेश रहा। उसके बाद में प्रमुख चित्रों के बारे में बात की कि कौन से प्रमुख चित्र हमें देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक चित्र। इसके पश्चात हमने मेवाड़ के चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात की जिसमें प्रकृति के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राकृतिक रूपों का अध्ययन किया तो यह भी हमें देखने को मिला। और किस प्रकार से पुरुषाकृतियाँ को अंकित किया गया इसके बारे में हमने पढ़ा। स्त्री आकृतियाँ किस प्रकार से बनाई गई, कमनीयता लिए हुए बनाई गई, सौंदर्य से ओतप्रोत बनाई गई, इन चीज़ों के बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बारे में अब इसके बाद हमने विषय के बारे में पढ़ा कि किन किन विषयों को लेकर चित्रों का निर्माण किया गया। तो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्र रहे हैं उनका विषय क्या रहा, तो कृष्ण संबंधी, कृष्ण भक्ति संबंधी लीलाओं का इसमें समावेश रहा। इसके अतिरिक्त महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, राजसी विभव को दर्शाते चित्र और घरेलू जीवन के चित्र भी हमें कहीं कहीं देखने को मिले हैं। हाशियों में महत्वपूर्ण बात यह है कि हाशियों का विशेष ध्यान रखना है कि हाशियों में लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया और पीले रंग का कहीं कहीं उपयोग देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त पशु पक्षी परिपेक्ष रंगों में भी चटकीले रंगों का प्रयोग हम इस शैली में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और भाव भंगिमाओं में कृष्ण लीला की जो भी भाव भंगिमाएं होती है उसको चित्रकारों ने बताने का प्रयास किया है। तो निस्संदेह इन विशेषताओं के कारण ये चित्र शैली हमारी विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हम अन्य चित्र शैलियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि अन्य चित्र शैलियों में भी क्या क्या उनकी निजी गुण हैं, उनकी क्या क्या निजी विशेषताएं हैं। तो मुझे आप
ई लेक्चर के माध्यम से सुनते रहें तो निसंदेह आप इन उस पूरी रोचक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे एग्जाम में बैठ पाएंगे, अच्छे एग्जाम से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।